तो जब आप आजादी का जश्न मना रहे हो तो इन परिवारों को और इन शहीदों को भूलिएगा नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, हर घर तिरंगा और शहर से गांव तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। लेकिन आज हम आपको कश्मीर के उस देशभक्त की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे लोग आतंकवादी का पिता कहते हैं। लेकिन एक आतंकवादी के पिता का देश प्रेम देखकर आप भी कहेंगे कि कश्मीर का वर्तमान और भविष्य तिरंगे की तरह ही लहराता रहेगा। भारत और तिरंगे की शान में हो रहे इस जयघोष में एक आवाज उस पिता की भी है जिसका बेटा आतंकवादी था। हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी आपको इतनी अच्छी ना लग रही, लेकिन इस वीडियो की कहानी प्रेरित करने वाली है। ये कहानी है कश्मीर में आतंकवाद पर भारी राष्ट्रवाद की। ये कहानी है हर घर पत्थर के मंसूबे को नाकाम कर हर घर तिरंगा लहराने की। ये कहानी है एक आतंकवादी के पिता के तिरंगा प्रेम। और इस कहानी के नायक हैं कश्मीर के बारामूला में रहने वाले अब्दुल हमीद शेख, जो इन बच्चों के बीच तिरंगा थामे खड़े हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि ये भारत से प्रेम करते हैं, तिरंगे को खुद से ऊपर रखते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और अपने गांव में समाज में बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। इतनी विशेषताओं के बाद भी इनकी ये पहचान मिट नहीं पाती कि ये एक आतंकवादी के पिता हैं। अब्दुल हमीद शेख का बेटा हिलाल अहमद शेख हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था। अब्दुल हमीद अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन वो आतंकी बन गया। इसी साल अप्रैल महीने में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अब्दुल हमीद शेख ने स्कूल के छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा थामे वो गांव की गलियों में घूमे, तिरंगे की शान में देशभक्ति के नारे लगाए। और स्कूल में तिरंगा लेकर सबसे आगे खड़े हुए। अब्दुल हमीद ने गांव के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। आज ऐसा कोड अशराक वारा गामस मस ये तिरंगा रैली एम खतर कि अस अथ पे बड़ फखर करान तो यह सा आज पूर हिंदुस्तान मज हर जाए घर घर मना तो एम इसलिए असा मानो आज ये तिरंगा बड़ खुशी सत। बारामूला कभी आतंकियों और पत्थरबाजों का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से यहाँ की तस्वीर कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह ही बदल रही है। अब यहाँ हर घर पत्थर का देश विरोधी एजेंडा नहीं चल रहा, यहाँ के लोग हर घर तिरंगा के साथ। बारामूला से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।